नमस्कार दर्शकों, मैं संजय निलाखे अपने ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको सिंह लग्न वाले जो जातक है उनके मारक ग्रह कौन से हैं, उनके कारक ग्रह कौन से हैं, उनका शुभ रंग कौन सा है, कौन से देवताओं की वो उपासना कर सकते हैं, उनका तत्व क्या है, सिंह राशि यानी सिंह लग्न का तत्व क्या है, उनकी दिशा कौन सी है और कौन सी युति होने के कारण, कौन से ग्रह की युति कारण युति सिंह लग्न के लिए अच्छी होती है और कौन सी अशुभ होती है, ये सभी प्रकार की संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। दर्शकों, निवेदन खाली इतना है कि अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं सिंह लग्ने वाले जातक के मारक और कारक ग्रह। सबसे पहले दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं कि ये लग्न क्या होता है, ये लग्न की निर्मिति कैसी होती है। दर्शकों, जब ये जातक का बच्चों का जन्म होता है तो पूर्व दिशा की तरफ जो राशि होती है वो होता है अपना लग्न। तो लग्न कहाँ पे देखा जाता है, ये अपनी लग्न कुंडली है, यहाँ पे 12 भाव होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और इसमें से जो प्रथम भाव है उसे लग्न कहा जाता है और इस लग्न में जो आंकड़ा होता है, जो नंबर आता है वो अपनी राशि होती है, लग्न राशि। तो यहाँ पे 5 आंकड़ा है तो 5वीं राशि है सिंह राशि, जैसे कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क और सिंह, ये 5वीं राशि यानी यहाँ पे सिंह लग्न 5 आंकड़ा आया है तो यहाँ पे सिंह लग्न गया। तो ये है सिंह लग्न की कुंडली। दर्शकों, यहाँ पे लग्न कुंडली जो हम देखते हैं तो सिंह लग्न है तो सिंह राशि का स्वामी कौन है, सूर्य देवता। यहाँ पे ये स्थिर लग्न माना जाता है, जो जिसकी जब भी ये लग्न आता है तो 2 घंटे के लिए ये लग्न होता है दिन भर में, ये स्थिर लग्न माना जाता है, इसमें बहुत सारे शुभ कार्य आप कर सकते हैं। दर्शकों, फिर आगे बढ़ते हैं सूर्य दिशा, जो उसका उगम स्थान है पूर्व दिशा, तो इसकी दिशा है पूर्व, यानी कि सिंह लग्न वाले जातक पूर्व दिशा का प्रभुत्व करते हैं, यानी कि पूर्व दिशा उनके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये जो इसकी जाति है सिंह लग्न की, यानी कि सूर्य की जाति है ब्राह्मण। फिर उसके बाद उसका अग्नि तत्व, जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि सूर्य एक तेजस्वी ग्रह है जो सबको रोशनी देता है, प्रकाश देता है, तो उसका तत्व है अग्नि तत्व। दर्शकों, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि सिंह जातक वाले जो लोग हैं, सिंह लग्न जातक वाले जो लोग हैं उनका शुभ यानी कि कारक ग्रह कौन सा है। तो यह है लग्न सूर्य, यहां पे सूर्य प्रथम यानी कि प्रथम भाव का लग्नाधिपति सूर्य होने के कारण सूर्य खुद उसके लिए राजयोग कारक या शुभ कारक ग्रह माना जाता है। फिर यहां पे मैंने सूर्य को सर्कल किया है। फिर दूसरा जो शुभ ग्रह है शुभ ग्रह है वो है मंगल, क्योंकि मंगल ये सुखाधिपति चतुर्थ भाव का स्वामी, मातृस्थान भी उसे कहा जाता है, तो ये है सुख स्थान का स्वामी होने के कारण यहाँ पे 8 आंकड़ा आया है और ये 8वीं राशि है वृश्चिक राशि, तो उसका स्वामी है मंगल। तो मंगल ये ग्रह सिंह लग्न वाले जातक के लिए राजयोग कारक ग्रह माने जाते हैं, यानी शुभ ग्रह माने जाते हैं। फिर उसके बाद मंगल यहाँ पे भाग्याधिपति भी देखा गया है, क्योंकि ये 1 आंकड़ा आया है और पहली राशि है मेष राशि, तो यहाँ पे भी मंगल है वो है भाग्यस्थान का स्वामी। तो यहाँ पे दोनों तरफ मंगल ये राजयोग कारक ग्रह माना जाता है। फिर उसके बाद दूसरा जो राजयोग कारक ग्रह है वो है गुरु। गुरु यहाँ पे पंचम भाव का स्वामी यानी त्रिकोण, मूल त्रिकोण का स्वामी है और वो पंचम भाव ये संतान का स्थान भी माना जाता है, ये आरोग्य का स्थान भी माना जाता है और ये स्थान से प्रेम प्रकरण भी देखा जाता है। तो इसी स्थान में 9वां आंकड़ा आया है तो धनु राशि है, तो धनु राशि का स्वामी है गुरु, तो गुरु भी यहाँ पे राजयोग कारक ग्रह माना जाता है। लेकिन यहाँ पे गुरु मृत्यु स्थान का स्वामी होने के कारण फिर भी ये मूल त्रिकोण के स्वामी होने के कारण गुरु ये यहाँ पे राजयोग कारक ग्रह भी माना जाता है। फिर यहाँ पे मैंने ये 3 ग्रह राजयोग कारक ग्रह है, एक खुद सूर्य, फिर मंगल और गुरु, अगर ये केंद्र में आते हैं ये ग्रह, तो अगर गुरु केंद्र में आता है तो हंस नाम का राजयोग तैयार होता है और मंगल अगर केंद्र में आता है तो यहाँ पे रुचक नाम का राजयोग तैयार हो जाता है।
दर्शकों ये शुभ ग्रह कौन से मैंने आपको बताया, उसके साथ साथ अशुभ ग्रह यहाँ पे मैंने अशुभ ग्रह यानी मार्ग ग्रह सिंह लग्न वाले जातक है उनके अशुभ ग्रह यानी मार्ग ग्रह है। सबसे पहले नंबर पे आता है बुध ग्रह। बुध यहाँ पे उसके इनकम स्थान का स्वामी, आय स्थान का स्वामी, लाभ स्थान का स्वामी और कुटुंब स्थान धनाधिपति का स्वामी, ये बुध ग्रह सूर्य का जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बता रहा हूं कि बुध ग्रह ये कुटुंब स्थान का स्वामी होने के कारण और इनकम स्थान का स्वामी है और ये ग्रह सूर्य का अशुभ ग्रह माना जाता है, इसलिए मैंने उसे अंडरलाइन किया है। फिर उसके बाद बुध के बाद आता है शनि, रोग स्थान का स्वामी और यहाँ वृद्ध स्थान का स्वामी यानी कि अपने अपोजिट स्थान का स्वामी होने के कारण शनि ग्रह भी उसका अशुभ माना जाता है, ये शनि उसके लिए मारक ग्रह माना जाता है। फिर बुध और शनि होने के कारण कुछ ग्रह सम भी है जो लाभदायक भी नहीं है और अशुभ भी नहीं है, जैसे कि शुक्र और चंद्र ये दोनों ही ग्रह सिंह लग्न के लिए ना शुभ है ना अशुभ है, इसे सम ग्रह माने जाते हैं। इधर चंद्र भले 12वें भाव में आया है, वह स्थान में आया है, अशुभ स्थान में आने के कारण भी वो नैसर्गिक मित्र होने के कारण वो उसके लिए अशुभ नहीं है। और यहाँ पे शुक्र कर्म स्थान का स्वामी होने के कारण यानी केंद्राधिपति होने के कारण यहाँ पे भी वो अशुभ नहीं माना जाता है। दर्शकों आगे बढ़ते हैं, फिर सिंह लगने वाला जो जातक है उनके लिए कौन से ग्रह की युति शुभ मानी जाती है। सूर्य से अगर गुरु की युति होती है तो वो अच्छी युति मानी जाती है, सूर्य से अगर मंगल की युति है तो वो भी अच्छी युति मानी जाती है और गुरु और मंगल की युति भी सिंह लग्न के लिए अच्छी मानी जाती है, राजयोग कारक मानी जाती है। उसके साथ साथ अशुभ ग्रह की युति भी है, अगर सूर्य ग्रह के साथ बुध की युति है तो अशुभ मानी जाती है, सूर्य ग्रह के साथ अगर शनि की युति है तो भी ये अशुभ युति मानी जाती है, क्योंकि शनि भले सूर्य का पुत्र है लेकिन ये दोनों में विरोध होने के कारण, ये दोनों में शत्रुता होने के कारण एक पाप ग्रह है और एक देव ग्रह है, तो उसी के कारण ये भी दोनों की युति अशुभ मानी जाती है, अकस्मात योग तैयार होता है। फिर उसके साथ साथ सूर्य ग्रह के साथ राहु की युति भी खराब मानी जाती है, उसे सूर्य ग्रहण योग कहा जाता है और केतु की युति भी अशुभ मानी जाती है। दर्शकों आगे बढ़ते हैं, जो जिनका लग्न सूर्य है सिंह है सॉरी, तो उन वो जातक के लिए कौन सा रंग शुभ माना जाता है। यहाँ पे सूर्य का रंग है केसरी और गुरु का रंग है पीला और मंगल का ग्रह है लाल, तो ये ग्रह ये जो है रंग उनके लिए शुभ माने जाते हैं और सफेद रंग भी उनके लिए शुभ माना जाता है। फिर उसके बाद अशुभ रंग कौन से हैं, काला और नीला ये उनके लिए अशुभ रंग माने जाते हैं, एक शनि का रंग है वो भी अशुभ माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, आराध्य देवत है सूर्य देवता, नहीं तो आप सूर्य की उपासना कर सकते हैं, फिर नहीं तो फिर सूर्य नारायण और एक अपने जो नारायण है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो, गायत्री की उपासना कर सकते हो, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दर्शकों ये सभी प्रकार की जानकारी मैंने आपको दी है, सूर्य जो भी जिसका भी जो सिंह लग्न होता है जिस जातक का, वो मन से एक नेतृत्व के दिशा में अपनी वाटचाल करते हैं, वो नेतृत्व का दिखाते हैं, उनमें नेताओं के गुण होते हैं, मैनेजमेंट के गुण होते हैं, जो उनको कैसे अपने कोई भी काम में वो हमेशा आगे रहते हैं और कोई भी उनका अगर अपमान कर दे तो वो उनके लिए ये अशुभ माना जाता, यानी उनके लिए ये बहुत बुरा माना जाता है, क्योंकि हमेशा वो अपना प्रभुत्व और नेतृत्व के माध्यम से ही लोगों को ऊपर अपनी छाप जमाते हैं। दर्शकों ये सभी प्रकार की जानकारी मैंने आपको दी, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार दर्शकों।